हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेट डॉक्टर में। आज बात करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, जिसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, पीपी कई लोग इसे कहते हैं। देखते हैं कौन कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। पहला FMD, जब पशु को FMD खुरपका या मुंहपका हो जाता है तो इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। FMD एक गंभीर समस्या है जिसको वायरल डिसीज़ के रूप में भी जाना जाता है। एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए जिस पशु को भी FMD हो जाता है उसको सबसे पहले दूर बांध दिया जाए या दूर रखा जाए। और इसको उपयोग करने की विधि की बात हम करते हैं तो 5 लीटर पानी लेना है, उसमें एक चुटकी थोड़ा सा डालना है, इससे पिंक पिंक हो जाए ऐसा डालना है बस। इसमें फिर पशु के जहाँ पे छाले हो रखे हैं, हाथ पे या जो पैर हैं उसके पैर पे, मुँह में थोड़ा थोड़ा सा पानी छेड़ दें ताकि छाले ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो पैरों पे छाले रहते हैं उनको अच्छी तरह से इससे धुल दें, एंटीसेप्टिक कर दें। फिर बात करते हैं हम थनेला, जो एक बड़ी गंभीर समस्या है किसानों के साथ देखने को मिलती है। किसी पशु को थनेला हो जाता है तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो एक से दूसरे को फैल जाती है, दूसरे से तीसरे को, ऐसे डेयरी फार्म नुकसान में चला जाता है। इसलिए किसान को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि एक पशु से किसी अन्य पशु में ना फैले। इससे बचाव की बात करें तो हम वही 5 से 6 लीटर पानी लेना है, एक चुटकी उसमें डालना है अपने वो पोटेशियम परमैंगनेट, जरा सा डालना है, फिर उससे पिंक पिंक थोड़ा होने लगे उसके, फिर उससे थनों की अच्छी सफाई कर दें। उसके बाद जो बर्तन हम यूज़ करते हैं उसको अच्छा उससे धुल लें और नीचे के फर्श को अच्छी तरह से धुल के एकदम साफ क्लीन रखें। साफ सफाई होगी तो थनेला की समस्या बहुत कम रहेगी। इसका थनेला में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम प्रोलेप्स, पशु का शरीर बाहर आना, फूल दिखाना या पाचा दिखाना कई लोग भी इसे कहते हैं। इसका उपयोग भी यहाँ पे बेहतरीन ज़रूरत पड़ती है। इसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है, शरीर बाहर आ गया उस पर धूल मिट्टी कण लग गए, उसको हमें साफ करना पड़ेंगे। किससे साफ करना पड़ेंगे, हमारे पास पीपी बैग में पड़ी हुई है, निकाला एक चुटकी पानी में डाला और उसके बाद अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग कर दी, एकदम क्लीन कर दिया, बार बार उसे पानी डाला, फिर हाथ से थोड़ा धोया सहलाया, ऐसे करके हमें जो प्रोलेप्स रहता है उसकी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इन्फेक्शन नहीं होता, छुटकारा नहीं मिलता इससे, इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन ये बचाने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम घाव के बारे में, जहाँ पशु को चोट लग जाए या फिर कहीं पुराना जख्म है या फिर कुछ भी हो गया है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले अपने को 1 लीटर पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा पीपी डालना है, जितना पिंक हो जाए इतना डालना है। ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही अपने को यूज़ लेना है, पिंक पिंक हो जाए इतना सा। उसके बाद उसकी अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे, सफाई करेंगे।